नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया में। और मैं मनोज पंडित, मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ खास। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप नए नए यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो एक महत्वपूर्ण सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर वीडियो जब भी चलता है और जब लास्ट अंत खत्म होता है वीडियो, तब वहां पे चार नए वीडियो आ जाते हैं छोटे छोटे आइकन में। तो आप वो किस तरह से ला सकते हैं अपने वीडियो पर, और लाने के बाद आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो का व्यूज बढ़ा सकते हो, तो चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि आप वीडियो के अंत में किस तरह से चार नए वीडियो अपना वीडियो ला सकते हैं और व्यूज बढ़ा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है। यूट्यूब आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मोबाइल में रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप अपना चैनल पे जाएंगे और माय चैनल चूज कर लेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी फॉलो कीजिएगा, आप भी कर पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए पहले हम यहाँ पे माय चैनल पे चलते हैं, और इसके बाद फिर अगले सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे हम माय चैनल पे चूज कर लिए हैं, और देखिए कुछ ही देर में किस तरह से ओपन होता है हमारे सामने स्क्रीन, वो भी देखेंगे। देखिए ये ओपन हो चुका है दोस्तों, और ओपन हो, और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट स्टूडियो पे। और क्रिएट स्टूडियो पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगे, जिस तरह से हमारे पेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जाएंगे, अपना कोई एक वीडियो ले लीजिएगा, जिस वीडियो पे आप अपना ऐड लगाना चाहते हैं चार वीडियो का, तो चलिए उस वीडियो को हम यहाँ पे लेते हैं, और उस वीडियो पे यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, और वहाँ पे आप सेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने वीडियो के ऊपर में छः ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, छः ऑप्शन में से आपको एंड स्क्रीन का जो वहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जिस ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएंगे, और आपके वीडियो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो ऐड करने के लिए आपके सामने बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आप किस तरह से ऐड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बगल में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप वीडियो ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने चूज वीडियो का ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। आप जो वीडियो चूज करेंगे, वही वीडियो आपके एंड स्क्रीन में दिखाई देंगे। तो चलिए हम यहां से दिखाते हैं। यहां पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यहां पे चूज ये वीडियो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में से वीडियो, कोई भी वीडियो चूज करके आप वीडियो के अंत में दिखा सकते हैं दोस्तों अपने व्यूवर्स को, और अच्छे खासे व्यू अधिक पा सकते हो इस तरह से सेटिंग करने से। तो चलिए हम यहाँ पे एक वीडियो चूज कर लिए हैं, और चूज करने के बाद यहाँ पे आ चुका है हमारा वीडियो। देखिए इस तरह से आप एक एक करके आप चारों वीडियो ऐड कर लेंगे। उसी तरह से फिर जाना है दोस्तों, और जाने के बाद
फिर उसी तरह से आप भी दोहराएंगे जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी तरह से करते हुए आप चार वीडियो ले लेंगे और चारों वीडियो को चार कोने में आप सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे सेव ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसी तरह से आप सेव कर देंगे। तो चलिए उसी तरह से फिर हम दोहराते हैं और तीसरे वीडियो भी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे तीसरा वीडियो भी चूज कर रहे हैं और चूज करने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। हमने भी यहाँ ले लिए हैं और इसी तरह से आप दोहराते हुए चार वीडियो ले सकते हैं। लास्ट चार ही वीडियो ले सकते हैं दोस्तों, चार वीडियो से अधिक वीडियो आप नहीं लगा सकते हैं। चाहे आप कम लगा सकते हो, वहाँ एक दो तीन वीडियो चार वीडियो आप जितना चाहे लास्ट चार तक ही वीडियो लगा सकती हो। वन वीडियो लगा दीजिए ठीक है आपका, दो वीडियो लगा दीजिए वो ठीक है आपका, तीन वीडियो भी आपका लगा सकते हैं वहाँ पे, और चार वीडियो लास्ट है, लास्ट चार ही वीडियो आप लगा सकते हैं इंडिया स्क्रीन में। तो चलिए हम यहाँ पे आप चौथा जो वीडियो है वो भी ले चुके हैं और यहाँ पे हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करने वाले हैं। दोस्तों आप भी इसी तरह से ले लेंगे और लास्ट में चारों वीडियो लेने के बाद आप भी सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों हमने ये वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।